गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज डे 17 मॉर्निंग में सेलम से उठे हम लोग। और अभी सॉरी, मॉर्निंग में सेलम से होटल क्या रतन ना था हम लोग ने सेलम पे, क्योंकि थक गया था। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझ गया रहेगा, ड्राइव बहुत स्ट्रेसफुल ड्राइव था। ज़्यादा नहीं, 400 400 से 400 500 किलोमीटर ही कंप्लीट किया, उससे ज़्यादा हो नहीं पाया क्योंकि रोड बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड रोड था एंड ज़्यादा भगा नहीं पा रहा था स्पीड कैमरास की वजह से। तो जो भी हो, अभी हम सेलम में कल रात को पहुँचे। अभी जो भी हो, आज हम लोग अभी सेलम से हैदराबाद निकल रहे। रूम टूर देना रह गया था। एक्चुअली बहुत अच्छा रूम्स है यहाँ पे। पहले हमको सिंगल वाला 2 बेड वाला रूम दे दिया था, बाद में उन्होंने हमको चेंज करके दिया। आपको वर्क स्पेस एरिया भी है यहाँ पे, बहुत अच्छा रूम। अभी रेडी बैठा हुआ है निकलने के हेलो, लिए। बेबी सो रहा है, सो रही है। हाँ, सो रही है, बेबी सो रही है। एंड ये वॉशरूम, सो अभी निकलते हैं यहाँ से। नीचे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड निकलते हैं जितना जल्दी हो गया, क्योंकि आज भी करीब 12 से 13 घंटे का ड्राइव है। तो ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाया, कल फूड व्लॉग नहीं किया एक्चुअली। कल रोड बहुत अजीब होने की वजह से मेरे को थोड़ा मूड नहीं हो रहा था। आज इफ़ पॉसिबल अच्छा फूड व्लॉग भी ऐड करूँगा। नया एलॉयज डालने के बाद में वहाँ पे उन्होंने बैलेंसिंग नहीं किया था, तो अभी बैलेंसिंग नहीं करने की वजह से थोड़ा गाड़ी वॉबल मार रहा था, तो बैलेंसिंग करवा ले रहा हूँ। बैलेंसिंग करके कंटिन्यू करेगा। बिल बेच तो दिया बंदे ने, उसको बोला था बैलेंसिंग करके देने को, लेकिन उसने नहीं किया। देखो, एक टायर में 40 ग्राम लग रहा है, दूसरे में 20 लग रहा है। अब पीछे का भी करवा देता हूँ, क्योंकि आगे तकलीफ ना हो, कभी अल्टी पल्टी करेगा तो। पार्ट एंड पार्सल। ये है पाड़ेम टोल प्लाजा। कल एक जैसा तमिलनाडु में एंट्री मारा, तो इमीडिएट मैंने देखा कि टोल प्लाजा में फास्टैग नहीं है। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन एक वो LNT का ऑपरेटेड टोल बूथ था। बुरा लगा कि फास्टैग अवेलेबल नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा चीज़ था, 45 रुपीज़ का टोल था खाली। और वो टोल में वो एक टोल का एक स्लिप के ऊपर पूरा 6 टोल क्लोज की कवर किया उन्होंने, 6। और खाली उसको ये जैसा अपना पूना में एक्सप्रेस वे में अपने को एक टोल लेने के बाद में आगे जाके खाली स्कैन करते हैं, बस उतना सा एक फॉर्मेलिटी था, वो अच्छा लगा। उसके बाद में सब टोल प्लाजा पे मेरे को फास्टैग दिखाई दिया। अभी हम लोग पाड़ेम टोल क्रॉस कर चुका है, तो मतलब ऑलमोस्ट हम लोग कर्नाटक, अभी कर्नाटक से हार्डली अभी 100 किलोमीटर तक रहेगा। अभी 135 किलोमीटर का बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बता रहा है। कल इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक आने का प्लान था, लेकिन थकने की वजह से फिर खींचा नहीं ज़्यादा गाड़ी। और अभी व्हील अलाइनमेंट भी होने के बाद बैलेंसिंग भी हो गया, तो गाड़ी और थोड़ा स्मूथ चल रहा है। और चल रहा है, जर्नी चल रहा है। पीछे दोनों सो रहे, दोनों मस्त सो रहे। चलो व्यू देखो, व्यू देख लो, एंजॉय करो। अगर ऐसा क्लाइमेट रहा ज़्यादा गर्मी के बिना, अभी 10:43 हुआ है, ज़्यादा गर्मी के बिना ऐसा क्लाइमेट रहा तो आराम से हम लोग आज हैदराबाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा, गर्मी ज़्यादा फील नहीं होगा। ये एक चीज़ बहुत अजीब लगा, हर हाईवे, हर टर्न्स में, हर इसके जगह पे मुझे
ये दिखाई दे रहा है, ये बैरिकेड्स दिख रहा है, जो बहुत तकलीफ वाला चीज़ है। माउंट लेके आया था DSLR को उसके विंडशील्ड पे लगाने के लिए, मेरे पास पड़ा हुआ था, उसके बावजूद मैं भूल गया वो लगाने के लिए। और अभी IC बैठा था, IC चलाते चलाते मैंने देखा तो ये चीज़ याद आया मेरे को कि मैं ग्लास में लगा के तो रखा है लेकिन मेरे पास मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया। अब कैसा लग रहा है, अभी हाथ भी एकदम फ्री, गाड़ी चलाते चलाते ब्लॉक भी बन जाते हैं। बैंगलोर 80 किलोमीटर्स बता रहा है अभी, तो हम लोग अच्छा हो गया कल हॉल्ट मारा, नहीं तो इतना ना लंबा खींचना, 3 घंटा खींचना बहुत मुश्किल था। सो ये कोई तो TVS का स्टार सिटी का कुछ नया बाइक है शायद, जो टेस्टिंग चल रहा है, देख के तो ऐसे ही लग रहा है गाड़ी को। अभी हम लोग 3 किलोमीटर बाकी है बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुंचने के लिए, तो अभी ऑलमोस्ट कर्नाटक तो घुस चुका है। कभी कर्नाटक में एंट्री हुआ कोई स्टेट डिवीजन या कुछ थानी तो समझ में नहीं आया। अभी ऑन माय हाईवे, अभी हाईवे पे ही है, हम लोग हाईवे पे जा रहे ऑन टूवर्ड्स बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर की तरफ। बैंगलोर में अभी सबको गाड़ी पे दो बाइक पे, आगे बाइक चलाने वाले को और पीछे बैठने वाले को पैसेंजर को भी कम हेलमेट कंपलसरी है। कार्टून कार ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिलना चाहिए। ऐसा खाली पीछे नहीं, आगे भी पूरा उसने कार्टून मार के रखा है। नाश्ता कर लिया, नाश्ता नहीं, लंच भी नहीं, स्नैक्स भी नहीं, क्या बोले इसको, ब्रंच भी नहीं बोल सकते, खा गए, हो गए। अभी जर्नी कंटिन्यू टू हैदराबाद। हेड नॉर्थ ईस्ट।
लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे है, उसी तरह ये भी रोड जैसा वैसे ही टाइप फील हो रहा है। रोड बहुत मस्त है, अल्ट्रा स्मूथ रोड है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, दो लेन का रोड है, दो एंड दो चार टोटल, मतलब एक साइड दो लेन है एंड रोड बहुत अल्ट्रा स्मूथ है, ना जंप है ना कुछ है, बस कहीं कहीं पे थोड़ा स्पीड ब्रेकर्स है बट ठीक है। और बीच में 50-60 किलोमीटर के बीचों में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी और 234 किलोमीटर जाना है। चलो अंधेरा हो गया, गूगल के हिसाब से भी 6 बज गया, अभी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 234 किलोमीटर और जाना है 234, और 234 किलोमीटर भी ऐसे ही रहेगा शायद, कि कोई बीच में हॉल्ट या कुछ नहीं, और ना इधर कोई बीच में कोई गांव भी है, एकदम पहाड़ी पहाड़ है, जैसा हम्पी वाले रोड के जैसी स्टाइल है पूरा एरिया का। बस गाड़ी 120-130 पे जा रहा है, दो बज गया है, अर्ली मॉर्निंग 2, अभी हम लोग तेलंगाना स्टेट पहुंच गए, मतलब अभी हैदराबाद, और 217 किलोमीटर जाना है। जो रोड आपने पीछे देखा, जो तीन मैं बोला था 300 किलोमीटर करीब का जो रोड है, वो रोड एंड हो गया, तेलंगाना स्टेट एंट्री मारा, अब कुछ 83 किलोमीटर स्ट्रेट है, मतलब टोटल 217 किलोमीटर्स जाना है। करीब 6 बजे हमको जा पहुँचाएगा, अब आपने जब भी देखा था तभी 10 बज गया था। हम लोग खाना खाए वहाँ पे, अमेजोन किचन करके एक होटल था, तो अमेजोन किचन करके होटल में खाना खाए। खाना खाने के बाद में हमने डिसाइड किया, क्योंकि वो रूट में कहीं पे भी होटल है ही नहीं, रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, तो और एडिशनल 200 किलोमीटर जाने के बाद ही रूम मिलेगा, क्योंकि booking.com में देखा, नियर बाय नहीं है, ओयो में नहीं है, कुछ है ही नहीं। पूछा तो भी होटल वाले ने वही बोला, हैदराबाद पहुँचने तक कोई रूम्स नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करें करके डिसाइड करने के बाद में ऐसा डिसाइड हुआ कि हम लोग थोड़ी देर कार में रेस्ट करते, तो हम लोग करीब 11 o'clock को सोए, हम लोग गाड़ी में, गाड़ी वो ही होटल के बाजू में ही लगा के सो गया, एंड कुछ 1:30 को वापस ड्राइव चालू किया, तो उससे क्या होता है थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है, थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है, स्ट्रेसफुल राइड नहीं होगा। तभी देखो ये लोग दोनों सो रहे हैं मस्त। हम्पी ब्लॉक के टाइम पे मेरा गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर हुआ था, अभी तेलंगाना पहुँचे तो मेरा गाड़ी 1,11,101 किलोमीटर हुआ। 600 meters, turn right toward National Highway 44. Morning 5:24 हो चुका है, रेस्ट करके हम लोग थोड़ी देर गाड़ी में सोए थे, एक डेढ़ बजे तक, उसके बाद हमने कंटिन्यू किया, अभी हम लोग हैदराबाद पहुंच चुके हैं, जो लोकेशन जहाँ पे हम लोग को शादी पे जाना है उसके नियर बाय लोकेशन में होटल लेने का देखा है, वैसे भी कल अभी होटल चेंज करेंगे, थोड़ा घूमना फिरना होगा। एक्चुअली जो रात को डेढ़ दो घंटा जो सोया है बहुत रिलैक्स था, कोई थकावट फील नहीं हुआ, बस थोड़ा वॉशरूम ब्रेक चाहिए था लेकिन नहीं मिला। रोड में सब पूरा लिख के रखा है, वॉशरूम, टॉयलेट्स अवेलेबल, लेकिन कहीं पे भी
टॉयलेट्स का बोर्ड के अलावा टॉयलेट्स नहीं दिखाई दिया। ये सब झूठ है जो लोगों इतना बड़ा बड़ा बात करते कि इतना हमने बाथरूम बनाया, इतना हमने ये किया, इतना हमने वो किया, कुछ नहीं किया। रोड्स में टॉयलेट्स का लगा के रखा है बोर्ड, 2 किलोमीटर है टॉयलेट है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है। और इसके अलावा 2-3 जगह पे टॉयलेट्स है, लेकिन वो टॉयलेट्स लिटरली लॉक डाल के रखा हुआ है, तो फिर कोई मीनिंग है ही नहीं वो सब का। जो भी है चलो ठीक है, खाली वॉशरूम एक इशू है ट्रैवलिंग के टाइम पे, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एनीवेज हम लोग हैदराबाद पहुँच गए, होटल बुक किया हुआ है ओयो में, यहाँ पे पहुँच के हमने किया, अच्छा डील मिला है। अच्छा डील मतलब आज एक्चुअली थोड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि मेरे को आज 8th थे, आज 9th थे, तो मेरे को 8th का बुकिंग डालेगा तो ही मेरे को कल मॉर्निंग का चेकआउट मिल पाएगा, क्योंकि आज 9th है और अर्ली मॉर्निंग अपन पहुँचने के टाइम पे नहीं एडजस्ट करते। जो भी है हम लोग अभी एयरपोर्ट के आसपास ही किधर तो है, और 14 किलोमीटर जाना है, तो हम अभी पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पे है, नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे। स्लाइड राइट, ओके।